अच्छा, जो भी पॉसिबल है कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्लियर? सारे लोग ऑफ करके फिर बात कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरी फर्स्ट क्लास है आई थिंक, तो आप लोग सारा थोड़ा सा हेल्प करिए, क्लियर? सो व्हाट आई एम आस्किंग यू, मेरा क्वेश्चन किसी को समझ में आया? हाँ, 77%। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। यस, व्हाट आई एम सेइंग यू कि मैंने बोला कि मेरे पास एक वैल्यू है 77.4% किसी पर्सन का मार्क्स है, और अब बोला जा रहा है कि इसको आप अप्रोक्सीमेट करके, राउंड ऑफ करके परसेंटेज में बताइए। तो यस यू आर राइट कि 77%। रूल क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, कि 77 आप जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप उस जिस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसके पहले वाले नंबर्स को देखो, मतलब 77.4 है तो 4 जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, 5 से लेस। रूल्स ये बोलती है कि द नंबर विच इज लेस देन 5, विच इज लेस देन 5, तो आपको राउंड ऑफ करने के लिए उसके प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, उसको जस्ट ओमिट कर देना होता है, वैनिश कर देना होता है, एंड यू जस्ट राइट द वैल्यू। अगर यही नंबर मेरे पास 77.5 होता, सॉरी 77.5 होता, यस, तो व्हाट इज द राउंड ऑफ दिस नंबर, 76 हो जाता। यस, जैसे सपोज कीजिए 77.5 है तो 78 हो जाएगा। यस यू आर राइट, 77.5 है तो 8 हो जाएगा, 77.6 भी है तो 78 हो जाएगा, 77.9 भी है तो 78। अब ये मार्क्स पे बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि चलो ऑल आर सेम, बट यही कंडीशन हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ गोल्ड इन ग्राम, राइट? और मैंने बोला कि आपको मैंने राउंड ऑफ पढ़ा दिया, अब आप चलिए वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए। तो क्या 77.5 ग्राम ऑफ गोल्ड और 77.9 ग्राम ऑफ गोल्ड सेम वैल्यू आएगा अमाउंट में, कॉस्ट में सेम नहीं आएगा ना, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। यस सर, यस, यू अंडरस्टैंड? तो यही से एरर का चैप्टर स्टार्ट हो, जब आप सब्जेक्ट अपना बदल देते हो, आप पॉइंट ऑफ कंसर्न अपना चेंज कर देते हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, जैसे कि पैंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, तो उसमें बैक्टीरिया के नंबर्स को आप एक प्रोग्रामिंग बना रहे हो जिसमें आप बैक्टीरिया के नंबर्स को काउंट कर रहे हो, आपने उसको एस्टिमेट कर दिया। तो अभी मार्क्स पे हम बात कर रहे थे तो हमें एरर पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज पे हम बात करेंगे, जहाँ पे हम छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स को, जैसे कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, स्पेस सेकेंड सेकेंड की भी वैल्यू होती है, अगर उस कोऑर्डिनेट को भी आप स्टडी करोगे, अगर आप छोड़ दोगे तो आप अपनी लोकेशन को क्या कर जाओगे, फॉरगेट कर जाओगे, राइट? फिर आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पे एरर्स काउंट किए जाते हैं। तो क्या होता है कि पहले जब एक्सपेरिमेंट के हम डेटा को लिखते हैं तो एरर्स को पता कर लेते हैं और लास्ट में उसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर हमें एग्जैक्ट डेटा आता है, क्लियर? तो दैट द होल प्रोसेस एरर एनालिसिस होता है। अब इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है, इसको हम स्टडी करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेट्स सी, ओके ओके कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, यस सर, गुड गुड। सो सी दिस, यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो अभी इंट्रो क्लास में हम बस आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ क्या रहे हैं और कैसे बात करते हैं इसमें, क्लियर? व्हाट इज द होल योर नोशन अबाउट टुवर्ड्स दिस चैप्टर। और देखिए, इस चैप्टर में आप हमेशा नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप हमेशा परेशान हो जाएंगे इतने नंबर्स का कैलकुलेशन आ रहा है। मतलब जैसे कि आप जनरल जनरल जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, 2.594 कोई आंसर आया तो बोलते हैं चलिए ठीक है 2.56 आंसर लिख देते हैं, लेकिन इसमें इसी नंबर्स को काउंट किया जाता है। मतलब आप कभी कभी कैलकुलेशन ऐसे करोगे, दूसरी वैल्यू 2.596 है, डिसिमल के 3 places 4 places तक आप बार बार वैल्यूज को लिखोगे। तो जब ऐसे आप वैल्यूज को लिखोगे अपने आंसर में, एग्जैक्ट आंसर लाना होता है इसमें, यही न्यूमेरिकल मेथड्स बताते हैं। कोई भी आप कैलकुलेशन करोगे तो डेसिमल के 5 places तक आपको काउंट करना होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर इन ह्यूमन माइंड हाउ कैन वी फाइंड, तो यस
इन दिस एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल मेथड्स के पेपर में आपको ऑलवेज प्रोवाइड होती है अ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग और न्यूमेरिकल के पेपर में वो अलाउ होता है। आप जो भी आप कैलकुलेट उससे करते हैं तो आप लास्ट में प्रोसेस करते जाते हैं और उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप वैल्यूज को लिखते हैं, क्योंकि आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बोल दूं कि कोई आंसर ये आ रहा है, अगली वैल्यू फिर फाइंड करनी है आपको, अप्रोक्सीमेट तो उसमें बिल्कुल नहीं करना होता है। इसी पे तो ये पूरा चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, मतलब आपको डेसिमल के 5 प्लेसेस 6 प्लेसेस तक जा जाके वैल्यू को सॉल्व करना होता है। तो यू हैव प्रोवाइडेड द साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर वो नहीं होता, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप डेसिमल के 4 प्लेसेस 5 प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो चलिए, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस आपके सिलेबस में पहले दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले बात कर सकते हैं कि एरर क्यों होता है। सबसे पहले एरर से पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। पहले तो एक्यूरेसी होगी फिर तो एरर होगा ना, क्लियर। तो एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स में हम टू टाइप्स की बात करते हैं। एक होते हैं एग्जैक्ट नंबर्स। व्हाट आर द एग्जैक्ट नंबर्स? द नंबर्स, जो भी नंबर्स की वैल्यू फिक्स है, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं डेसिमल में बात करेंगे तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर have exact value, जैसे कि for example you have a number 1.2, तो इसकी exact value है 0.5, लेकिन 1.3 क्या है? ये 0.33333, यही number छोटे छोटे data पे, यही number जो है, wait, यही नंबर मुझे छोटे डेटा पे क्या करता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स और लेंथ, सम लेंथ, तो वहां पे पता नहीं चलता। जैसे कि आप रोड्स की बारे में बात कर रहे हो, अब रोड्स को बनाना है और उसमें लेंथ से, पॉइंट में लेंथ से कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ वेरी माइन्यूट थिंग्स या फिर साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो वहां पे पॉइंट्स की भी वैल्यू होती है, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट approximation और error। तो error कैसे count करते हैं, तो ये देखिए मैं आपको एक example के through बताता हूँ। Suppose अब ये chapters क्या deal करता है, किसके साथ deal करता है, तो see this, मैं कुछ numbers लिखता हूँ, उसको approximate करके लिखता हूँ। तो देखिए, for example I have write the number 2.4, clear, 2.45, okay, now 2.47, 2.49, क्लियर। चलिए सबका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताइए आफ्टर डेसिमल वन डिजिट, क्लियर, टेल मी, मतलब डेसिमल के बाद मुझे बस एक डिजिट चाहिए। अब सबको अप्रोक्सीमेट करके बताइए एक एक करके, टेल मी। 2.5 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 2.
देखिए ध्यान से कि राइट साइड में सारी वैल्यूज क्या है, सेम है ना? यस सर। लेकिन जब आप वेरी माइन्यूट लेवल पे बात करते हो तो क्या एग्जैक्टली आप मैथमेटिकली ये बोल सकते हो कि 2.45 और 2.47 बराबर ही है? नहीं है ना? नो सर। यही तो एरर है, यही तो एरर है। लेकिन ये क्या होता है, ये कब डिस्कशन होता है? जब अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, जब किसी प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे एक एक पॉइंट से इफेक्ट होता है रिजल्ट। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। अब होता क्या, हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कि लैब में कोई बैक्टीरिया के बारे में स्टडी चल रही है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसमें हम एरर्स को काउंट करें तो क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन में स्टार्टिंग में ही एरर्स फाइंड कर लेते हैं कि हर पॉइंट पे कितने का एरर आता है, और लास्ट में उसको जाके हम बैलेंस कर देते हैं। फिर हमको क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा, या फिर जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा वो उतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले तो एरर काउंट कैसे होता है, ठीक है? और भी बहुत सारे नंबर्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.5 ही होगा, फॉर एग्जाम्पल। और कोई ऐसा नंबर आप मुझे बता सकते हैं आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट जिसका अप्रोक्सीमेशन 2.5 हो? 2.5, 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
अब देखिए, अब क्या है कि पहले जो थ्री नंबर्स हैं इसमें जो एरर है वो प्लस का एरर है, क्लियर? अंडरस्टैंड? यस सर। मतलब जो भी वैल्यू आप एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंस कर लो इसका, तो फर्स्ट वाले में प्लस ये वैल्यू 0.5 से बढ़ गई, क्लियर? सॉरी 0.05 ना, 0.05। नेक्स्ट वाले में 0.03, क्लियर? 0.03। नेक्स्ट वाले में 0.01, इसमें कितना है, इसमें तो वैल्यू लेस हो रही है ना, माइनस, हाउ मच? माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर। अब आप ये समझ पाए, तो यहाँ पे जो भी एरर है वो प्लस का वो पॉजिटिव एरर्स है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव एरर्स है। यहाँ पे वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है फर्स्ट थ्री सिनेरियो में, एंड द लास्ट सिनेरियो द वैल्यू विल बी डिक्रीजेस ऑफ 0.4। अप्रोक्सीमेशन में बात करेंगे तो फाइनल वैल्यू में सारी एक ही दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में बात करेंगे और काफी माइन्यूट स्टडी करेंगे तो सारे वैल्यू में बहुत फार डिफरेंस है। इतना एरर अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट में करते हो जहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है तो बहुत बड़ा एरर आएगा कैलकुलेशन में, या वो प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा एरर होगा। आपको इसलिए न्यूमेरिकल पढ़ना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी इसका वाइडली यूज होता है। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो इस तरह की चीजें यूज करते हो, तो उस तरह से अगर इतने एरर पे आप किसी प्रोग्राम को डेवलप करोगे तो वो सक्सेस उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्लियर? सो अब ये जो आया वो एरर्स आए। अब किसी ने बोला कि एरर परसेंट निकालिए, बेसिकली ये कोई न्यू मेथड नहीं है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है ना? बस अब मैं इसको एरर परसेंट बोल रहा हूँ। तो बताइए फर्स्ट नंबर में मुझे अगर एरर परसेंट निकालना है तो मैं कैसे फाइंड करूं, मतलब कितने परसेंट का एरर है फर्स्ट वैल्यू में? तो आप वैल्यू मत बताइए, आप मेथड बताइए, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जितना एरर आया है वो लिखेंगे ऊपर, नीचे हम क्या लिखेंगे 2.45 और इनटू 100 करेंगे, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली सर सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन वेटिंग रूम, सो इफ यू प्लीज कैन एडमिट देम। ओके ओके ओके। Mute yourself. Mute कर लीजिए. Don't disturb. Okay. So serious. What I am talking about you? अभी तो सबको allow किया था. Okay. That's it. ठीक है. Serious. तो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू कि जैसे मुझे परसेंटेज एरर, अब एक एक ये तो एरर हो गया कि एरर कैसे निकलता है, ये आपको पहले से बातें पता है सारी चीजें, ठीक है ना? अब मैं बोलता हूँ कि एरर परसेंट बताओ मुझे, किसी भी वैल्यू में एरर परसेंट कैसे काउंट होता है, ठीक? तो सिंपल है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था 2.45 और इसको एस्टिमेट किया तो ये 2.50 बन गया, मतलब 5 बन गया, सिंगल डिजिट से किया, आफ्टर पॉइंट जीरो का नो वैल्यू होता है, तो इसमें कितने का एरर आ रहा है, ये वैल्यू प्लस 0.5 से इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, प्लस 0.5। तो एरर परसेंट कैसे काउंट होता है, तो एरर परसेंट काउंट करने के लिए मुझे क्या होता है, जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिखता हूँ मैं, यही रूल है ना, ये इनिशियल वैल्यू है इसको नीचे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 200 एंड फाइन कर लेता हूँ। अब देखिए डेसिमल वैल्यू आ रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, तो इसलिए हमेशा आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे होंगे। अभी तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, आपको जब बाइसेक्शन मेथड हम करेंगे तो पॉइंट के 66 डिजिट को ऐसे ही आपको एरर परसेंट काउंट कर रहा होगा। मतलब मान लीजिए सपोज ऊपर आपकी वैल्यू 0.09876 ऐसे हो, नीचे क्या हो 0.5943 और इनटू 100 हो, तो मैनुअल कैलकुलेटर बहुत सर ये 0.05 0.05 से ऊपर यू आर राइट, ठीक है ना? सो तो ये आप समझ पाए एरर परसेंट ऐसे काउंट होता है, क्लियर? तो ये हो गया एरर परसेंट निकालना किसी भी नंबर्स। अब आते हैं कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं।
एरर्स कौन से नंबर्स एरर देते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर्स जनरली एरर नहीं देते हैं. नाउ वी हैव एप्रोक्सीमेट नंबर्स. एक नंबर होता है एप्रोक्सीमेट, आपको पहले से पता है, जैसे कि हमने बोला 1.3. अब यहाँ देखिए क्यों इसको एरर में काउंट किया जाता है. जनरल मैथमेटिक्स में ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट होता है, इसमें हम नंबर्स की एनालिसिस करते हैं. चैप्टर से ही पता है न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो हम एक एक नंबर्स पे अटेंशन रखते हैं हमेशा. अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो 1.3 की वैल्यू 0.333 एंड सो ऑन, क्योंकि एक रेकरिंग डेसिमल होता है. आप डेसिमल पढ़े होइएगा, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल. कौन कौन सा बताइए, टेल मी. रेकरिंग, नॉन रेकरिंग और थ्री होते हैं ना, रेकरिंग एंड रिपीटिंग. हाँ देखिए, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट. Terminating decimals are also called rational numbers. Next we have terminating, मतलब 1.2, एक 1/2 का expression एक terminating decimal है, 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5, yes 0.5, तो एक terminating है, मतलब एक certain number के बाद remainder zero हो जाए, उसको हम terminating बोलते हैं. Next we have non-terminating. तो non-terminating में दो होते हैं. In the non-terminating decimal we have two. First one is non-terminating recurring and the second one is non-terminating non-recurring. Understand? Yes. जो non-recurring होता है वो irrational में आता है, like 5. 1/3 इसमें आएगा, recurring decimal है, वो भी एक rational number होता है. Clear? तो हम बात कर लेते हैं 1/3 की nature को समझ लेते हैं. 1/3 को जब आप ये करते हो, spend करते हो, तो you get this. Clear? Now, अब ऐसे तो बहुत सिंपल दिख रहा है, इसको हमने ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाता है. क्लियर? या सिंपली इस पूरे वैल्यू को, अब इसमें क्या होता है कि 0.33 भी 1/3 है, 0.33333 भी 1/3 है, तो पता नहीं चल रहा है. लेकिन जब इस चीज पे आप प्रोग्रामिंग में बात करोगे, केमिस्ट्री में बात करोगे, आप माइक्रोबायोलॉजी में बात करोगे, आप स्पेस में बात करोगे, तो ये सारी चीजों के बहुत बड़े मायने हैं. या फिर कोई वैल्यूएबल थिंग्स है, सपोज गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, बैक्टीरिया के साइज की बात करते हैं, वो सब माइक्रोसेकेंड में कैलकुलेट होता है, सॉरी माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में कैलकुलेट होता है. और बैक्टीरिया होता ही कितना है, क्लियर, मिलीग्राम में ही होता है. तो उसमें छोटी छोटी वैल्यूज भी काउंट होते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? नाउ तो अब देखिए यहाँ पे आप 0.33 भी 1/3 है और 0.3333 भी 1/3. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. राइट साइड में देखने पे दोनों एक ही है, बट लेफ्ट साइड में कौन बड़ा है आप खुद बता सकते हो, विच वन इज ग्रेटर. क्लियर? प्लीज, विच वन इज ग्रेटर? सेकंड वन, बॉटम वन. सेकंड वाला ग्रेटर है. क्लियर? तो यही से एरर जनरेट होता है. अब ये दोनों नंबर्स में एरर है, इधर तो सेम है लेकिन इस साइड एरर है, तो यही एरर परसेंट हम काउंट करते हैं. नाउ एप्रोक्सीमेट नंबर क्या होते हैं, जिसकी आप फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल सकते हो, तो उसको एप्रोक्सीमेट करना होता है. और इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आप चेंज करते हो कैलकुलेशन के लिए. जैसे कि 0.33 का सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, 1/3 है. क्लियर? कैलकुलेशन में हेल्प के लिए आपको करना था यही नंबर यूज, आपको 0.33 ही कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन आपने क्या किया, इसको सिग्निफिकेंट नंबर में चेंज कर दिया, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू है. You have to, क्योंकि आप मैनुअली ये काउंट नहीं कर सकते. तो हम क्या, मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम ये यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव एरर्स. अब हम ओके, सो सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट,
ये देखिए इसको, तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, नाउ एरर्स, एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होते हैं इसमें कितने तरह के एरर्स जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज, ये बस डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं इसको, बस मुझे इंट्रो देना था तो आपको मैंने बता दिया, या इसमें बहुत सारी चीज आपको पता है, बस टर्मिनोलॉजीज में आप नहीं जानते, बाकी आप इसका यूज भी कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, इनहेरिटेंस एरर। इनहेरिटेंस एरर वो होता है विच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर एड्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस एरर जो होता है वो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटिंग एड्स के थ्रू जनरेट होता है। इनहेरिटेंस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग बेटर डेटा यूजिंग हाई प्रिसिशन कंप्यूटिंग एड्स। कंप्यूटर्स आजकल काफी एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर देयर, तो वो छोटे छोटे एरर्स को भी काउंट करते हैं। मतलब क्या कि ह्यूमन माइंड 1/3 ही करेगा 0.33 को, लेकिन जो कंप्यूटर है वो 0.33 ही करके इसको सॉल्व करके और एक्यूरेट रिजल्ट देगा। बट अगर आपने 1/3 लिया और कोई 0.33 को 1/3 लेट कर रहा है, कोई 0.3333 को कर रहा है, इसको भी आपने 1/3 लिया, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास एरर है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कैलकुलेशन में हमसे, तो वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू लेके कैलकुलेट करता है, क्लियर। तो वो काफी एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, जो इनहेरिटेंस एरर कंप्यूटेशन की हेल्प से जनरेट होता है उसको हम इनहेरिटेंस एरर बोलते हैं। नाउ राउंड ऑफ एरर्स, राउंड ऑफ एरर्स क्या होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो आप अभी हम आपको मैंने जो भी बताया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ राउंड ऑफ एरर। जब आप किसी किसी सिस्टम में या फिर खुद के थ्रू व्हेन यू आर यूजिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर या राउंडिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राउंड ऑफ द नंबर्स, एस्टिमेट द नंबर्स, एंड देन यू यूज इट इन टू कैलकुलेशंस, देन यू हैव अ एरर, और वो एरर जब आप काउंट करते हैं तो उसको हम राउंड ऑफ एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपको ऑलरेडी अभी मैंने बताया, जैसे एक मेरे पास वैल्यू है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमेशा आपको इस तरह के नंबर से स्टडी करना होगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, इसलिए आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड की जाती है, वो अलाउ होता है एग्जामिनेशन हॉल में भी। जब आप जब भी स्टडी करेंगे, जब भी इसके मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आपके पास हमेशा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। नाउ तो देखिए, जैसे कि एक नंबर है मेरे पास 7.584672 और एक दूसरा नंबर, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये नंबर को हमने, मान लीजिए मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ या फिर मुझे इस नंबर को यूज करना है अपने कैलकुलेशन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास प्रोग्राम है वो इतनी ज्यादा नंबर्स को डील नहीं कर सकता, या फिर मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ कोई कैलकुलेशन, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको डेसिमल की 3 डिजिट तक, जनरली हम डेसिमल के अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का यूज करते हैं। तो जब मेरा 3rd पे कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है ना, यस और नो, क्लियर, यस। हाँ, तो जब मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूँ, तो इसको जब मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ तो बाकी सारे वैल्यू को मुझे ओमिट करना है, तो वी जस्ट टू फोकस ऑन दैट नंबर, उसके जो नेक्स्ट नंबर होते हैं, ये नंबर 6 है, ग्रेटर देन 4 है, क्लियर, ग्रेटर देन 4 है, तो जब मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा तो 7.585 करूंगा, क्लियर। ये हो गया राउंड ऑफ एरर। अब लेकिन एग्जैक्टली आप बात करते हो तो अप्रोक्सीमेशन में तो ये ठीक लग रहा है, बट नंबर तो बड़ा यही है तो एरर तो आएगा, तो व्हाट इज द एरर, तो इसको माइनस करूंगा, तो वही माइनस में आपका एरर आएगा, दैट इज द राउंड ऑफ एरर, दिस इज जनरेटेड बाय ड्यू टू द आवर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन के थ्रू ये जनरेट हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं राउंड ऑफ एरर, क्लियर। तो समवन इज एंटर्ड इन द मीटिंग, वेट, सो एनीवन हैज डाउट रिगार्डिंग दिस, सर हे सर, प्रेसिजन, एक्यूरेसी, राउंड ऑफ और अप्रोक्स, 3-4 जो वर्ड है सर, ये सबका मीनिंग अलग अलग है सर। हाँ, सबका नहीं नहीं अप्रोक्सीमेशन राउंड ऑफ एक ही होता है, क्लियर। एक्यूरेसी, अप्रोक्स, एक्यूरेसी अलग चीज है, लिसन, एक्यूरेसी इज द अनदर थिंग। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई डेटा कितना एक्यूरेट है, राइट। अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, चीजों को राउंड ऑफ करके उसका आंसर लिखते हैं। राउंड ऑफ और अप्रोक्सीमेट समहाउ एक ही नंबर है, एक्यूरेसी अलग चीज है, एक्यूरेसी अलग चीज है। प्रेसिजन, व्हाट, प्रेसिजन जो फर्स्ट वाला डिफिनेशन में जो लिखा है,
वेट वेट मैं देख लेता हूँ। एक बार प्रोनाउंस करो सही से, मैं समझ नहीं पाया। प्रेसिजन जो सब फर्स्ट जो दिए थे ना, फर्स्ट वाला डिफिनेशन ऊपर में उसमें लिखा है उस लाइन में। PRECISION वेट वेट हाँ बताइए कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये जो वर्ड है, हाँ हाँ बता देते हैं, ये डेफिनेशन का इनहेरिटेंस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग बेटर डेटा यूजिंग हाई प्रेसिशन कंप्यूटिंग एड्स। हाई प्रेसिशन का मतलब होता है वो सारे कंप्यूटिंग एड्स, वो सारे मेथड जो काफी हाईली इफेक्टिव है। प्रेसिशन का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब वो चीज, वो सिस्टम काफी, जैसे सुपर कंप्यूटर्स बड़े बड़े डेटा को हैंडल करता है, जैसे कि पाई, पाई के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना, पाई 3.14। अब देखिए इनहेरिटेंस एरर क्या होता है, वो कैसे जनरेट हो जाता है सिस्टम में। जब आप मान लीजिए मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व, इसको आप फेस भी किए हुए हैं, जब व्हेन यू आर इन 10th क्लास एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो आपको टीचर बोलते होंगे कि 3.14 क्वेश्चन में दिया रहता था कि यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, क्लियर? यस सर। ये पता है इसलिए, और एक दिया रहता था 22/7, ये पता है क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है पाई की। तो 22/7 और 3.4, 22/7 एक इरेशनल नंबर होता है और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, मतलब 3.14, इसको पता है आपको सुपर कंप्यूटर की हेल्प से 3.14, ये तो जस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है ना 22/7 की। आप एक बार डिवाइड करके देखना, 7 डिजिट्स, 7 प्लेसेस, 8 प्लेसेस, 9 प्लेसेस, ट्रिलियन प्लेसेस का रिपीट नहीं होता है, एक ऐसा यूनिक नंबर है पाई 3.22/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन। ये 3 के बाद ट्रिलियंस डिजिट तक काउंट हो चुका है, अभी तक ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्लियर? तो ये जो एक नंबर है, ये एक इनहेरिटेंट एरर जनरेट करेगा। हाउ? जैसे कि सपोज आपने फेस भी किया होगा, आपने कोई मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया और वहां 22/7 करके मैं उसको सॉल्व किया, आपने 3.14 एरर किया, दोनों आंसर में आफ्टर डेसिमल कुछ चेंजेस आ जाएंगे, क्लियर? ये श्योर है कि चेंजेस आएंगे, क्लियर? यस सर। और ये इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंट एरर। और ये कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो ड्यू टू यूजिंग हाई प्रिसीजन कंप्यूटिंग एड्स मेथड्स का यूज करके, जो हाईली इफेक्टिव मेथड्स है। समझ आया? क्लियर? म्यूट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट जो है, अच्छा वन इंपॉर्टेंट नोट, आफ्टर आफ्टर माय क्लास 3 to 4, 5 to 6 व्हिच क्लास इज देयर? Hello? Sir, 5 to 6 will be the class of media research for web development. Amit Shukla, sir. Amit Shukla, sir. Yes, right. According to new routine, no. Amit Shukla, sir, is there. So, important note is that keep the class will adjourn for today. Okay. He just called me and said that ki, class is adjourned for today. He is busy in some another work. So, it will resume on next schedule. Okay. इंटरेस्टिंग भी होता है काफी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो एरर एनालिसिस में, व्हाट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर परसेंट कैसे काउंट करते हैं, राइट? एरर परसेंट जैसे आप, मैंने आपको अभी दिखाया, तो दीज आर द यूज। इसके बाद हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर में आएंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। बहुत सारे सिलेबस में एरर एनालिसिस टॉपिक नहीं होता है, बहुत सारे बुक्स में भी नहीं होता है, आपके सिलेबस में एरर एनालिसिस दिया होता है, इसके लिए बहुत छोटा एक टॉपिक होता है, उसी का पार्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। सर 22/7 सर रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है सर? 22/7 या सर रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वेट। देखिए 22/7 को जब आप डिवाइड करते हो ना, 7 को 22 से,
तो इसका जो आपको मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मिलता है, क्लियर? नॉन रेकरिंग कभी भी रिपीट नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना ही रेकरिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है। और ये इतना यूनिक नंबर है कि ये 3. ये 1/4 तो इसकी यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज करते हैं, इसीलिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, कभी भी जब आप कैलकुलेशन करोगे और किसी ने ये यूज किया किसी ने ये यूज किया, हमेशा एरर आएगा। हमेशा एरर नहीं बोलते हैं उसको, मतलब आफ्टर, जैसे मान लीजिए मेरा आंसर 5.4 आएगा, 4.9 आएगा, आपका आंसर 5.46 आ सकता है, क्लियर? इस तरह के आफ्टर डेसिमल वन डिजिट, या किसी का आंसर 5.2 आया, किसी का 5.3 आया, तो माइनूट एरर देखने को मिलता है। तो जो 22/7 है वो एक रेशनल वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है वो एक इरेशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर? लेकिन 1/3 क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रेकरिंग डेसिमल है, इसलिए हम इसको रेशनल बोलते हैं, क्लियर? लेकिन प्रीवियस वन वाले को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है इसलिए हम इसको रेशनल में काउंट करते हैं। ओके, सो दैट गुड फॉर टुडे। इस बार मैं आपका जो प्रेजेंट है स्क्रीनशॉट ले लेता हूं अटेंडेंस के लिए। ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी किसी को कुछ पूछना है? यस सर। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन इनहेरेंट एरर अगेन। ओके, इनहेरिटेंट एरर, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए इनहेरिटेंस एरर क्या होता है, दिस इज जेनेटिक, जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, हैव यू एवर लिसन द वर्ड? यस सर। उसको लिगेसी भी बोलते हैं, मतलब जो हमें अपने एंसेस्टर से मिला होता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, मतलब दिस इज जेनरेटेड ड्यू टू दैट सर्टेन नंबर और सर्टेन, अगर पर्सन में बात करेंगे तो उसकी लेगेसी है, उसकी इनहेरिटेंस है, तो उसकी वजह से, क्लियर? इनहेरिटेंस एरर वो होता है जो उस नंबर के नेचर की वजह से जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इन कैलकुलेशन 0. जैसे कि 1/3 दो वैल्यू है, दोनों की एक वैल्यू है जो 0.33 वो भी 1/3 है, 0.333 है वो भी क्या है 1/3, या फिर जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ पाई, अभी वही मैं समझा रहा था, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 3.14, ये उसके नेचर की वजह से, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो दोनों वैल्यूज में आप डिफरेंस पाते हो, क्लियर? एंड दिस इज जनरेटेड ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन नंबर, दैट्स व्हाई वी कॉल इनहेरिटेंस। अप्रोक्सीमेट एरर क्या होता है, जो हम अपनी वजह से एरर करते हैं, हम खुद से उस नंबर को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वी नीड द आंसर, वी नीड द कैलकुलेशन हेल्प, क्योंकि हम मैनुअली या फिर बाय कंप्यूटिंग मेथड्स उतनी नहीं कर सकते, तो हम 1/3 यूज करते हैं, ना कि 0.333 यूज करते हैं। तो ये एरर जो जनरेट हुआ ये ड्यू टू ह्यूमन या फिर ड्यू टू कंप्यूटेशन, ड्यू टू मशीन जनरेट हुआ, लेकिन 22/7 और 3.1 ये एक वैल्यू जो पाई का जो नेचर है, इसकी वजह से जब दोनों वैल्यूज को अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर में एरर आते हैं, दैट इज द इनहेरिटेंस एरर। मतलब इनहेरिटेंस मतलब वो उसकी उस नंबर के एग्जिस्टेंस की वजह से जो एरर है वो होता है इनहेरिटेंस एरर, क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके ओके, सो